कल जो हमारा टॉपिक था रेशनल नंबर, ठीक है, एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। रेशनल नंबर होते हैं अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी इज न्यूमिनेटर, क्यू इज डिनोमिनेटर और क्यू नेवर बी जीरो। तो मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि क्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अब रेशनल नंबर के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, अब मैं वो पढ़ाऊंगा आपको। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, हमें सभी को पता है, जिसमें प्लस है वो पॉजिटिव है और जिसमें माइनस है वो नेगेटिव है। लाइक दैट पॉजिटिव रेशनल नंबर लिखना है 3/4। न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। दूसरा लिखते हैं 4/7, ठीक है, न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसके बाद हमारा 7/3, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ -7/-3, पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें छोटा सा डाउट आपके मन में आया होगा कि न्यूमिनेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नेगेटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा, ये 7/3, सो इट इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं सेकेंड, नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर जैसे पॉजिटिव से ही हमें समझ में आ जाता है, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, और दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे ये हमारा डाउट था -7/3, -7 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, तो 7/3 इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब मैं नेगेटिव रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल लूंगा, जैसे कि -3/7, ठीक है। अब यहां पर हमारा जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव है, तो अब नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पर हो जाएगा हमारा -3/7, सो इट इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर, कोई डाउट? चलो और ले लेते हैं, 3/-7 अगेन करते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें 3 हमारा पॉजिटिव है, 7 हमारा नेगेटिव है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी -3/7, ठीक है, इट इज ऑल्सो ए नेगेटिव रेशनल नंबर। क्लियर, कट आउट। अब इसके बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की, वो देखते हैं। जैसे कि अब लिख लेते हैं एक दो एग्जांपल पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर के, -3/7, -7/3, -4/3, -4/7, दीज आर ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर हमारी, जैसे हमारे रेशनल नंबर है सपोज दैट 3/4, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे हमने इंटीजर पढ़े हैं, इंटीजर में 5 है, 5 के इक्वल कोई दूसरा इंटीजर हो सकता है, -5, 5 के इक्वल -5 नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव 5 का मतलब है हमारे पास 5 रुपीज है, और माइनस का मतलब होता है हमें देने हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि 3/4 जो ये है हमारा, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इसके इक्वल कोई दूसरा नंबर हो सकता है, हो सकता है क्या, 3/4, थ्री बाई फोर देखो 3/4,
हमने इंटीजर में पढ़ा एक इंटीजर माइनस थ्री के इक्वल माइनस थ्री ही होगा, माइनस फोर के इक्वल माइनस फोर ही होगा, फाइव के इक्वल फाइव ही होगा, थ्री के इक्वल थ्री ही होगा, सेवन के इक्वल सेवन होगा, एट के इक्वल एट होगा। बट रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता, वन टू थ्री फोर अनलिमिटेड रेशनल नंबर लिख सकते हैं हम इस के इक्वल थ्री अपॉन फोर के ऊपर इक्वल। पता है कैसे? देखो थ्री अपॉन फोर है, थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू या गया सिक्स अपॉन एट। ठीक है, इसके बाद अगर दोबारा करें थ्री मल्टीप्लाई थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई थ्री नाइन अपॉन ट्वेल्व। ठीक है, और भी लिख सकते हैं थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई फोर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, फोर फोर जा सिक्सटीन। ठीक है, अब हमारे पास कितने रेशनल नंबर हो गए, थ्री अपॉन फोर एक, सिक्स अपॉन एट टू, नाइन अपॉन ट्वेल्व थ्री, ट्वेल्व अपॉन सिक्सटीन, कितने रेशनल नंबर हो गए, फोर रेशनल नंबर हो गए। बट इनमें एक चीज इक्वल है, एक चीज सेम है, थ्री अपॉन फोर, सिक्स अपॉन एट, नाइन अपॉन ट्वेल्व, ट्वेल्व अपॉन सिक्सटीन। अगर हम इनको सॉल्व करें कैसे, अगर मैं लिखता हूं यहां पर सिक्स अपॉन एट, टू से ऊपर वाला डिवाइड हो जाएगा, टू से नीचे वाला डिवाइड हो जाएगा, थ्री अपॉन फोर आ रहा है। दूसरे को देख लेते हैं नाइन अपॉन ट्वेल्व, थ्री से ऊपर डिवाइड किया, थ्री से नीचे डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा थ्री अपॉन फोर, इसके बाद ट्वेल्व अपॉन सिक्सटीन। ठीक है, फोर से इसको डिवाइड किया, फोर से इसको डिवाइड किया, ये आ गया हमारा थ्री अपॉन फोर। अगर हम इन सभी को सॉल्व करें, इनको सभी को सॉल्व करें, तो ये क्या जाते हैं हमारे सॉरी इक्विवेलेंट आ जाते हैं, इक्वल बन जाते, वही नंबर बन जाते हैं सर। थ्री अपॉन फोर था, ये भी थ्री अपॉन फोर बन गया, ये भी थ्री अपॉन फोर बन गया, ये भी थ्री अपॉन फोर बन गया। तो हम यहां पर कह सकते हैं जो रेशनल नंबर होते हैं उनके इक्विवेलेंट भी बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, बट हम इसमें कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास एक रेशनल नंबर है, यही ले लेते हैं ट्वेल्व अपॉन सिक्सटीन, हमारे पास ट्वेल्व अपॉन सिक्सटीन था। ठीक है, अब ट्वेल्व ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे, ट्वेल्व को भी डिवाइड करते और फोर को डिवाइड कर दे, ट्वेल्व को भी डिवाइड करे और फोर को भी डिवाइड करे, क्या नंबर है कोई नंबर ऐसा जो ट्वेल्व को भी डिवाइड कर दे और फोर को भी डिवाइड कर दे, क्या है, फोर। तो फोर से ट्वेल्व को डिवाइड करेंगे, फोर से सिक्सटीन को डिवाइड करेंगे, क्या आ गया हमारा थ्री अपॉन फोर। फिर से देखते हैं थ्री अपॉन फोर इज देयर एनी नंबर विच कैन डिवाइड न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ, नो देयर इज नो नंबर, बट देयर इज अ नंबर विच इज वन। ठीक है, वन कैन डिवाइड थ्री, वन कैन डिवाइड फोर। जहां भी हमारे मन में ये बात आए, क्या कह रहे हैं, यहां पर अब हम किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, वन से ही डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दैट इज अवर स्टैंडर्ड। आया समझ में, क्लियर? चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1A। 1A का फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसको पढ़ते हैं, एक्सप्रेस माइनस थ्री अपॉन फाइव एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 20, सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर माइनस 30, उसके बाद दिया हुआ है 35 और फोर्थ है हमारा माइनस 40। अब इसने हमें एक्चुअल में कहा क्या है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, एक्सप्रेस माइनस थ्री अपॉन फाइव, क्वेश्चन है हमारा माइनस थ्री अपॉन फाइव, ठीक है, एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर, कुछ एग्जाम्पल दिया इसने, क्वेश्चन 20, जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए या जिसका डिनोमिनेटर माइनस 30 होना चाहिए। अब फिर से हमारे मन में वही बात आती है, हमारा रेशनल नंबर था माइनस थ्री अपॉन फाइव, ठीक है, और ये बोल रहा है हमें इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, फाइव शुड बी 20। ठीक है, अब हमने एक चीज पढ़ी है, एक नंबर के इक्वल दूसरा नंबर नहीं होता है, बट रेशनल नंबर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एक रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको चेंज करेंगे। आप कैसे चेंज करेंगे,
फर्स्ट ले लेते हैं हम, माइनस थ्री अपॉन फाइव को हमें फाइव को चेंज करना है ट्वेंटी में, ठीक है, फाइव को चेंज करना है किसमें, ट्वेंटी में। अब हम जब फाइव को चेंज कर रहे हैं तो थ्री भी चेंज होगा। मैंने नीचे एक बात बताई थी आपको, अगर मल्टीप्लाई हम करें ऊपर भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइव फोर जा ट्वेंटी, तो थ्री फोर जा प्लस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, अगर माइनस की वैल्यू है तो माइनस में रहेगी, प्लस की वैल्यू है तो प्लस में रहेगी, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व, ठीक है। अब हमारा नंबर ये फाइव ट्वेंटी में चेंज भी हो गया, ठीक है, और नंबर हमारा वही है माइनस ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी। सेकेंड देख लेते हैं, सेकेंड में कहा है उसने हमें माइनस थ्री अपॉन फाइव, यहां पर हमें क्या करना है, फाइव को चेंज करना है किसमें, माइनस थर्टी में, तो माइनस थर्टी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम टेबल काउंट करें, फाइव सिक्स थर्टी, और तो थ्री सिक्स एटीन, ठीक है, थ्री सिक्स एटीन। बट यहां पर एक कंफ्यूजन आ गया, क्या कंफ्यूजन आ गया, हमारा जो डिनोमिनेटर था वो फाइव है, पॉजिटिव है, यहां पर डिनोमिनेटर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब यहां पर हमने सिक्स की मल्टीप्लाई तो की, उसके साथ साथ क्या किया, साइन भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब साइन कैसे चेंज होगा, किसी भी वैल्यू के साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और माइनस वन से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। अब माइनस वन की मल्टीप्लाई जब हम 18 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18, और माइनस वन की मल्टीप्लाई अगर हम 30 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस 31 जा 30। ये हमारा था सेकंड सॉल्यूशन, क्लियर है, कोई डाउट, कर सकते हो चेंज। चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस माइनस 42 अपॉन 98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, ठीक है, चलो उसमें भी पढ़ लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा माइनस 42 अपॉन 98, और यहां पर हमसे कह दिया गया एक्सप्रेस माइनस 42 अपॉन 98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7, जिसका डिनोमिनेटर 7 हो, ठीक है। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारा, 7। वहां पर हमने ऊपर क्या किया, 5 को चेंज किया 20 में, बड़ी वैल्यू में चेंज करते हैं तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, यहां पर हमने चेंज किया 30 में, बड़ी वैल्यू है तो इसको भी चेंज करेंगे, 5 6 जा 30, ये भी चेंज हो गया। बट यहां पर क्या हुआ, बड़ी वैल्यू को हमें छोटी वैल्यू में डिवाइड करना है, ठीक है, या हम कह सकते हैं बड़ी वैल्यू को हमें चेंज करना है छोटी वैल्यू में, ठीक है। अगर हमें छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ अ सूटेबल नंबर। बट यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बिल्कुल अपोजिट, मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है उल्टा। तो 98 को किस वैल्यू से हमने डिवाइड किया, जो 7 आया, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। अब 98 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 98 डिवाइड बाय 7, 7 बन जा 7, 2 लेफ्ट, 2 और 8 28, तो 7 4 जा 28, दैट नंबर इज 14। तो 98 को हमने डिवाइड किया किससे, 14 से, क्या आया, 7 आया, तो हम 42 को भी किससे डिवाइड करेंगे, 14 से, ठीक है, 42 को 14 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 3, क्लियर, कोई डाउट। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, हाँ देखो एक्सप्रेस थर्ड क्वेश्चन है हमारा, माइनस 48 अपॉन 60 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5, यहां पर हमें माइनस 48, थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है, माइनस 48 अपॉन 60, इसका डिनोमिनेटर हमें चेंज करना है, विच यू कैन सी इन बुक 5, 60 को 5 में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब पहले
पहले चेक करते हैं कि 60 को हमने किससे डिवाइड किया जो हमारा 5 है। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को, क्या आता है? 12 आ जाता है। ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है। 60 को हमने 12 से डिवाइड किया, क्या आया? 5। अब जब नीचे वाली वैल्यू को हमने डिवाइड किया 12 से, तो हमें ऊपर वाली वैल्यू को भी 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 60 की छोटी वैल्यू है, तो 48 से भी कोई छोटी वैल्यू आएगी। ऐसे तो नहीं है वही वैल्यू रहेगी, हम नीचे वाले को डिवाइड करते ऊपर वाले को डिवाइड ना करें तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 48, तो यहां पर आ जाएगा हमारा -4। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा ये बार बार, ठीक है, जब हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है कि किस वैल्यू से डिवाइड करें जो हमारी वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलो इस बारे में बताता हूं मैं आपको। जैसे 60 को मैं किस वैल्यू से डिवाइड करूं जो मेरा 10 आ जाए। ठीक है, तो एक रूल होता है हमारा, जो वैल्यू में निकालनी है हम उसी से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 10 से ही डिवाइड कर देते हैं 60 को, क्या आ जाएगा? 6 आ गया, तो वो वैल्यू आ जाती है जिससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, सपोज दैट 60 को मैं डिवाइड करूंगा 10 से, तो क्या आएगा? 6। ठीक है, और 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 10। ठीक है, जो वैल्यू मुझे लानी है अगर मैं उससे ही डिवाइड कर देता हूं तो मुझे उसकी दूसरे वाली वैल्यू मिल जाती है। आगे बात समझ में? अगेन करते हैं, 45 को मैं किस वैल्यू से डिवाइड करूं जो 15 आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 45 को 15 से ही डिवाइड करूंगा, वो वैल्यू आ जाएगी जिससे मुझे डिवाइड करना है। देखो 45 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं क्या आएगा? 15। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई डाउट? Our fourth question is, express each of the following rational number in standard form. अभी मैंने standard form के बारे में बता चुका हूँ आपको क्या होती है। Standard form ऐसी form होती है जब हम numerator और denominator दोनों को किसी भी value से divide ना कर पाए other than one. इसको हम दूसरी language में भी बोल सकते हैं, अगर numerator और denominator का हम SCF दें तो SCF क्या आना चाहिए? One आना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा first question है -12/13। ठीक है, इसको हमें चेंज करना है किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दे। ठीक है, इज देयर एनी वैल्यू विच कैन डिवाइड 12 and 13 बोथ? इज देयर एनी वैल्यू? देयर इज ओनली वन वैल्यू, व्हाट? 1। ठीक है, तो ये तो अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो -12/13 इज एग्जैक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट हो, सबसे अच्छा तरीका है 12 फैक्टर कर लेते हैं, 2 × 2 × 3, और 13 के फैक्टर होते हैं हमारे 1 × 13। हो सॉरी, इसमें हम 1 लिखना भूल गए। ठीक है, एससीएफ निकालते हैं। एससीएफ का क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स। इनमें दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? ओनली 1 है, तो इसका एससीएफ क्या हो गया हमारा? एससीएफ इज 1, सो इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर किसी रेशनल नंबर का के न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का एससीएफ 1 आता है, सो दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में हम अगर इसको कहें, अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को दोनों को ही किसी वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते। देखो 1 से तो सभी वैल्यू डिवाइड हो जाती है, 1 को अगर हम साइड में रखें, सोचें कि ये दोनों वैल्यू किससे डिवाइड होगी, ये किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं होगी, सो इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, उससे आपके क्लियर हो जाएगा। इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, -36/-63। ठीक है, अब जो जिससे भी हम डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड करेंगे, और जितना भी डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड करेंगे। चलो माइनस से माइनस कैंसिल होगी,
ठीक है चलो। अब 36 और 63 को हम किस वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं सोचते हैं, 2 से ये इवन है ये ओड है, ओड को तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, चलो उसके बाद 2 के बाद 3, 3 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है 3 से डिवाइड करते हैं 12, 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 और 3 वन जा 3, क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमें एक बार और देखना है कि ये डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। चलो फिर से देखते हैं 12 और 21, इज देयर एनी वैल्यू व्हिच कैन डिवाइड बोथ द वैल्यूज? यस देयर इज वन वैल्यू, 3, यस 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। अगेन चेक करते हैं 4 अपॉन 7, 4 और 7 एनी वैल्यू व्हिच कैन डिवाइड बोथ द वैल्यू? नो, सो इट इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -36/-63। अब यहां पर देखो ये तो छोटी वैल्यू थी, हमें दो बार डिवाइड करना पड़ा, छोटी वैल्यू थी कितनी बार डिवाइड करना पड़ा? दो बार, एक बार 3 से डिवाइड किया फिर से 3 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया 4/7 आ गया। अब जब अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू आ जाए, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे कि सोचते हैं कोई वैल्यू, टू 70/810, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर हम डिवाइड करें, कैसे डिवाइड करें, कितनी बार डिवाइड करें पहले तो, चलो 3 से हो जाते हैं दोनों डिवाइड, 3 9 जा 90 और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 0, ठीक है फिर से 3 से हो जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 0 फिर 3 से हो जाएंगे, 3 10 जा 30 और 3 3 जा, ठीक है। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 5/6/15, ठीक है। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 1/3, ये हमारा क्या आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। बट ये तो थोड़ा सा प्रोसीजर ज्यादा ही बड़ा हो गया ना, ठीक है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूं आपको, ठीक है देखो, वैल्यू थी हमारी 270/810, हमने इसको पहले 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया और फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। अब मन में एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कोई तरीका नहीं है क्या जिससे हम उस वैल्यू का पता लगा ले एक ही बार में, उस वैल्यू का हम पता लगा ले एक ही बार में कि एक बार डिवाइड करो और सीधी स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी आपको, एससीएफ, ठीक है एससीएफ निकालते हैं, 270 का एससीएफ निकालते हैं, 2 × 3 × 3, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54 और 54 × 5 = 1, ठीक है 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 54, 54 × 5 = 270, अगेन 800, ठीक है। अगेन करते हैं इसको, यू डिवाइड ओवर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 5 और फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये सोचने में भी हमें टाइम लग रहा है, हम सोच रहे हैं, मुझको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसका भी कोई तरीका है जो ये फैक्टर भी हम इजीली कर पाए, ठीक है। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, उससे हम एक ही बार में निकाल सकते हैं फैक्टर, कैसे 270 डिवाइड करते हैं किससे, करो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 10
टू से नहीं होता डिवाइड, थ्री से करेंगे, थ्री फोर जो ट्वेल्व, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, फिर थ्री से करेंगे फिफ्टीन, फिर थ्री से करेंगे फाइव, फिर फाइव से करेंगे वन, ठीक है। इसके बाद एट हंड्रेड टेन, टू से डिवाइड करते हैं फोर ज़ीरो फाइव, ठीक है। थ्री से डिवाइड करते हैं थ्री वन जो थ्री, थ्री थ्री जो नाइन, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, फिर थ्री से करते हैं थ्री फोर जो ट्वेल्व, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, थ्री से करते हैं थ्री वन जो थ्री, थ्री फाइव जो फिफ्टीन, थ्री से करते हैं फाइव, फाइव से करते हैं वन। देखो यहाँ पर, वहाँ पर हमें कितना टाइम लगा था, ठीक है, यहाँ पर हम इजीली कर लिया हमने, कैसे, टू थ्री 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 फाइव, टू थ्री 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 फाइव वन, इसको करते हैं टू थ्री 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 फाइव, टू थ्री 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 फाइव वन। देखो यहाँ पर हमें कितनी प्रॉब्लम हुई थी, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है। चलो तो इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टू फाइंड एससीएफ, एससीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, एच सी एससीएफ, टू कॉमन है, चलो थ्री भी कॉमन है, चलो फिर से थ्री कॉमन है, चलो फिर से थ्री कॉमन है, चलो और एक फाइव कॉमन, सभी को लिख लेते हैं, टू मल्टीप्लाई वन टू थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, वन वन की मल्टीप्लाई नहीं करते, वही वैल्यू रहती है, थ्री टू थ्री जा सिक्स, थ्री जा एटीन, एटीन थ्री जा फिफ्टी फोर, फिफ्टी फोर फाइव जा टू हंड्रेड सेवेंटी। तो 270 वो वैल्यू आई हमारी जिससे हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है, 270 से दोनों को डिवाइड करते हैं, देखो 270 से 270 को करेंगे 1, और 270 से 810 को करेंगे क्या जाएगा 27, 3 जा 81, तो डायरेक्ट हमारी क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें बार बार डिवाइड ना करके डायरेक्ट एससीएफ निकालो, अगर एससीएफ हमारा 1 आ रहा है तो उसको लिख दो, इट इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड फॉर्म, बट अगर एससीएफ हमारा अदर देन वन आ रहा है तो जो भी एससीएफ आता है उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ऐसे ही